में आप सभी का स्वागत है। मैं दिव्या शुक्ला, आइए बढ़ते हैं खास खबर की ओर। बड़ी खबर सामने आ रही, जेपी के ड्यूटी पर तैनात सिपाही की बदमाशों ने गोली मारकर की हत्या। जालन उरई कोतवाली में तैनात सिपाही भेज जीत मथुरा जनपद के ग्राम चौरम्बार के निवासी हाईवे चौकी में पिकेट पर रात्रि में ड्यूटी कर रहे थे, तभी मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने सिपाही को गोली मार दी और मौके से फरार हो गए। ड्यूटी पर तैनात साथी सिपाही ने कंट्रोल रूम तथा उच्च अधिकारियों के साथ भारी पुलिस बल घटना स्थल पर पहुंचकर छानबीन की। फील्ड यूनिट सर्विलांस SOG भी मौके पर पहुंची। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर इराज राजा ने बताया कि उरई कोतवाली क्षेत्र में हाईवे चौकी पर कांस्टेबल भेज जी ड्यूटी कर रहे थे। दो लड़कों का उन्होंने पीछा किया, जिस पर उन्होंने कांस्टेबल के सर में गोली मार दी, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। हमने 4 टीमें गठित की हैं, कुछ अहम सुराग मिले हैं, हम जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लेंगे। फिलहाल सुरक्षा करने वाले सुरक्षित नहीं है, आम जनता कैसे सुरक्षित होगी? अपराधियों के हौसले इतने बुलंद है कि अपराधी खुलेआम घटना को अंजाम दे रहे हैं। ड्यूटी पर तैनात सिपाही की गोली मारकर हत्या कर देना खुली चुनौती है। पुलिस ने हाई अलर्ट कर नाकाबंदी कर दी है। संवाददाता संतोष सोनी की रिपोर्ट। आज रात को लगभग 2 बजे एक घटना हुई है थाना उरई क्षेत्र में, जो हाईवे चौकी है वहाँ पर। एक बहुत ही दुखद घटना है, जिसमें हमारे पुलिस विभाग के कांस्टेबल श्री तेजजीत सिंह को गोली लगी है और गोली लगने के उपरांत उनकी मृत्यु हो गई है। इसमें अब तक जो जानकारी प्राप्त हुई है, उसमें ये पता चला है कि कुछ लड़कों का उन्होंने पीछा करने का प्रयास किया और उसी दौरान उन लड़कों को उन्होंने रोका और वहाँ से उन्होंने उसी दौरान गोली चली और गोली इनके सिर में लगी है, जिसके कारण इनकी मृत्यु हो गई है। तो उसमें तेजजीत सिंह इस घटना में शहीद हुए हैं और हमारी 4 टीमें लगी हुई हैं और हम बहुत ही जल्दी इस घटना का सफल अनावरण करेंगे और जो भी दोषियों का सर तैनाती कहाँ पर थी भेजीत की और कहाँ के रहने वाले? ये मथुरा के रहने वाले हैं और इनकी तैनाती यहीं हाईवे चौकी पर थाना उरई क्षेत्र के अंतर्गत थी। सर जिन लड़कों का पीछा किया जा रहा था, क्या उनसे कोई विवाद हुआ था या किसी चीज़ को लेकर वहाँ तलाशी या कोई? अभी हम सब जानकारी कर रहे हैं, अभी बस इतना पता चला है कि 2 लड़के निकले थे, उनके पीछे ये गए थे। तो अभी सही एग्जैक्ट स्थिति अभी पता चलेगी जब हम सभी, अभी जाँच हमारी जारी है और कुछ हमें जानकारी भी अहम मिली, तो उनको हम लोग डेवलप कर रहे हैं और बहुत ही जल्दी घटना का मना कर रहे हैं।